अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ लिपोप्लास्टी। ये क्या होता है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ या कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट डिपॉजिट होती है या फिर सेल्यूलाइट होती है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो ओवरवेट नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़ या कोई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी फ़ैट डिपॉजिटेड रहती है और वो आपको बुरा लगता है। एक छोटा सा पाउच होगा, एक छोटा सा बैग ऑफ फैट होगा और वो आपको बुरा लगता है, और आप कुछ कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, कोई डाइट कंट्रोल कर लें, आपका वेट ठीक हो जाएगा। ओवरऑल आप वेट को लूज़ भी कर पाएंगे, बट वो जो पाउचेस हैं फैट के वहीं रहते हैं। उनको मोबिलाइज़ कराना पड़ता है, उनको उस जगह से हटाना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली शेप्ड हो जाए या अप्रोप्रिएटली शेप्ड हो जाए। राइट, जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि ये जो अपर पोर्शन ऑफ द आर्म है ये बहुत ज़्यादा हैवी है। बॉडी मोटी नहीं है, बॉडी ओवरवेट नहीं है, जब ये हैवी होगा तो वो आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा चौड़ा, बॉडी को बहुत ज़्यादा चौड़ा लुक देगा। अगर हम सिर्फ खाली इस बल्क को ऐसे करके ना, फूला हुआ एक बल्क बना हुआ होता है, अगर हम सिर्फ इस बल्क को जो है लिपोप्लास्टी से ठीक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लुक है वो कितनी स्लिमर हो जाएगी, कितनी ट्रिम्ड लुक आएगी। उसी तरह से औरतों में जो है वो पेल्विक एब्डोमेन होता है बच्चों के बाद, कि उनका पूरे का पूरा वज़न वो ठीक कर लेते हैं लेकिन एक छोटा सा पेट जो है वो पेल्विस वाली, ये वाली जगह जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर रह जाता है, वो जाता ही नहीं है। एक्सरसाइज कर लें तब भी नहीं जाता। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उनमें ऑपरेशन होता है, जैसे सी सेक्शन करते हैं तो उसके बाद आपके मसल्स जो हैं वो कट हो जाते हैं ना, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रह जाता है, नीचे वाला नीचे, तो वो एक पाउच बन जाता है जो कि जाता नहीं है। लिपोप्लास्टी ऐसे एरिया के लिए बहुत अच्छी है। फिर अगर आपको बैक पे हम्प है किसी का, वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे लव हैंडल्स बने हुए हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी थाइज़ ज़्यादा बल्की हैं, आपकी बाकी बॉडी की निस्बत ज़्यादा हैवी हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। पीछे अगर आपकी कमर पे ये वाला एरिया जो होता है, जो अपर बैक है, वहाँ पे आपके जो हैं वो फोल्ड्स बनते हैं फैट के, उसको ठीक किया जा सकता है। होता क्या है, ये एक मशीन होती है जिसमें हम मशीन को, जब हमने किसी एरिया से फ़ैट को मोबिलाइज कराना है या वहाँ से निकालना है, ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले लिपो डिज़ोल्व इंजेक्शन लगाएंगे उस जगह पे। जब हम इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ से स्किन प्रिपेयर हो जाती है या वो फ़ैट के सेल्स प्रिपेयर हो जाते हैं कि उनके ऊपर मशीन से काम किया जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दो स्टेप्स होते हैं जो कि मशीन के थ्रू किए जाते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो इनको, इन सेल्स को जिनके अंदर फैट सेल्स, जिनके अंदर पानी इकट्ठा होता है, डिपॉजिटेड होता है, और ये एक एरिया पे आपको इकट्ठे हुए हुए या पड़े हुए नज़र आते हैं और जिसकी वजह से आपको वहाँ पे डिफरेंट फैट के बल्क्स नज़र आ रहे हैं बॉडी में, ये उसको जो है वो सोलन करता है, उसको फुलाता है ताकि वो उसको फाड़ के उसके बाद वहाँ से फ़ैट के सेल्स निकलें। फ़ैट के सेल्स कैसे निकलते हैं, वो आपके स्टूल से पास होते हैं, सिर्फ आपके स्टूल से ही पास होते हैं। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि जैसे थोड़ा सा लूज़ स्टूल जो है वो आप उस दिन पास करें जिस दिन आपका ट्रीटमेंट हो, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बिकॉज़ ये हम अपनी साइट के ऊपर कर रहे हैं, उन फैट सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है, उसमें कोई इशू नहीं होता, और कोई भी चीज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रही है तो आपकी बॉडी में कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते भी हैं रेगुलर बेसिस पे तो उसके साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक हो गया, दो स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो इन सेल्स को रेडी करता है, और जो सेकेंड वाला स्टेप होता है वो फिर उनको फाड़ के और वहाँ से जो फैट है उसको रिमूव कराता है, उसको मोबिलाइज कराता है आपके स्टूल के थ्रू। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है उन लोगों के लिए जो कि अपनी शेप को बेहतर करना चाहते हैं, और उनमें जो है वो डिफरेंट जगह पे या तो फैट के डिपॉजिट्स होते हैं और या फिर सेल्यूलाइट होती है। सेल्यूलाइट इस तरह से होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ऑरेंज की स्किन होती है जिसमें छोटे छोटे डिम्पल्स पड़े हुए होते हैं, उसी तरह से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर आपको जगह जगह जो है वो डिम्पल्स नज़र आ रहे होते हैं। छोटे छोटे डिम्पल्स भी होंगे और बाकी जो बल्क है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसको भी अगर स्मूथ करना होता है तो उसको हम लिपोप्लास्टी के थ्रू करते हैं। सब में किया जा सकता है, मेल्स में किया जा सकता है, फीमेल्स में किया जा सकता है, यंगस्टर्स में किया जा सकता है, अगर कोई बूढ़ा है या थोड़ा एजेड है, मेच्योर एज का है उसमें किया जा सकता है, इसमें कोई आपकी एज लिमिट नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस तो ये उसको इंटरेक्ट इसलिए नहीं करता कि हम इसके अपने ख़ास एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया पर काम ही नहीं कर रहे हैं।